नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आवाज़ आ रही होगी और कल की क्लास भी आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास कितने लोगों को समझ में आया और कितने को डाउट है बताइए। हम लोग आगे बढ़ेंगे और एवरेज के महारथी मैं बना के आपको छोड़ूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा और आज TRE का एग्ज़ाम हुआ है, TRE 3 का, और बहुत आसान क्वेश्चन आया है। आप आसानी से मैथ्स में 100% सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। 100% का नंबर मतलब होता है जितने मार्क्स का पेपर है उतना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज और क्लास को और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, कि उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आए। सबसे इम्पॉर्टेंट वही है और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सपर्ट बन जाएं। आप इस क्लास के बाद किसी को चैलेंज कर दें कि मुझे औसत का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन लाओ और देखो मैं कैसे नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट है डेविएशन मेथड। कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई और कोई फास्ट तरीका है कि नहीं, तो मैंने बताया था कि मैं आज वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो डेविएशन मेथड है एवरेज निकालने का, ठीक है। डेविएशन मेथड क्या होता है? आसान क्वेश्चन में आपको लगेगा कि इतना क्यों करना है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको सवाल आया कि 20 और 28 का एवरेज निकालें, ठीक है, निकालें। हमारा मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड, 20 प्लस 28 कितनी संख्या है? 1 और 2, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका इसका औसत, ठीक है। क्या हो गया? 48 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया 24, ठीक है। ये आपका एवरेज हो गया 24, दो संख्या का एवरेज, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट, कहीं से कोई डाउट इसमें किसी को? जो लोग लाइव हैं एक बार जल्दी कंफर्म कर दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, जो अब डाउट नहीं है तो हम लोग इसका पढ़ेंगे, एक शॉर्टकट तरीका पढ़ेंगे। लेकिन इस सवाल में आपको शॉर्टकट नहीं लगेगा, वो लगेगा कि क्यों इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बड़ा टफ सवाल आएगा तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। डेविएशन मेथड कैलकुलेशन फास्ट होगा और कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। दो नंबर है हमारा, 20 और 28, ठीक है। अब अपने मन से एक एवरेज मान लीजिए, दोनों संख्या का एक एवरेज, तो बीच का संख्या मानते हैं हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसका जो एवरेज है वो 25 है, ठीक है। ये संख्या नंबर 1 हो गया, 1, ये संख्या नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब 25 से 20 में कितना आपको पीछे जाना पड़ता है? 25 से 20 के लिए आपको कितना पीछे जाना पड़ता है? -5, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। और 25 से 28 जाने के लिए कितना आपको आगे आना पड़ता है? +3, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ से यहाँ जाने के लिए और यहाँ से यहाँ आने के लिए, ये संख्या हमने अपने मन से रख लिया, 25 रखा है। हम इसको 26 में रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हम इसको अपने मन से हमें रखना है, ठीक है, क्लियर है ये। अब -5 + 3 कितना होता है? -5 + 3 डेविएशन कितना हुआ? -2, ठीक है। कितनी संख्या है हमारे पास? 2, तो दोनों पे हम लोग का एक एक का डेविएशन होगा। ये आपका टोटल का डेविएशन आया, तो यहाँ 2 संख्या है जिसको 2 से हम भाग दे देंगे, तो -1 का डेविएशन है, ठीक है। कितने का डेविएशन है? -1 का। हमने अपने मन से कितना लिया था एवरेज? 25, तो 25 में हम -1 कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा 24। कोई डाउट कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? ये डेविएशन मेथड है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर जब आ जाएगा कि 12,600 का एवरेज निकालिए, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, तब आप कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इतना लंबा नंबर आ गया, अब कहाँ से इसको हम लोग लाएँ। तो इसलिए हम लोग डेविएशन मेथड यूज करते हैं, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और आपको कठिनाई नहीं होगी। इसमें 2-3 वेरिएशन है, 2-3 वेरिएशन में आपको समझा दूंगा, ठीक। किसी को कोई डाउट डेविएशन मेथड का पहले क्वेश्चन में? जल्दी बताइए, डेविएशन मेथड में किसी को कोई डाउट? सर ये 25 क्यों लेंगे? आप 25 की जगह आप 24 लेके सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप? श्वेता जी कॉपी कलम लेके, 29 भी ले सकते हैं, एक बार 29 लेके देखिए क्या होता है। एक बार 29 लेके देखिए क्या होता है।
आप एक बार 29 लेके देखिए क्या होता है, जल्दी आंसर बताइए, बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। श्वेता जी क्या है आंसर, सेम आ गया, क्लियर है? कोई भी संख्या लीजिएगा, लेकिन संख्या हम लोग ऐसा लेते हैं कि दोनों के बीच का हो, कि घटा बढ़ा के हमारा कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है? चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है आज के लिए, एग्जाम्पल, ठीक है, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 137 एंड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 152, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल फाइव नंबर्स, ठीक है? ये क्वेश्चन हमने कल किया था बेसिक मेथड से, आज मैं उम्मीद कर रहा हूं ठीक है। चलिए इस सवाल का जवाब जल्दी बताइए। संज्ञा जी कुछ क्वेश्चन है कंप्यूटर का, पूछिए। चलिए इस क्लास के बाद पूछिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा आप। पहले इस सवाल का जो मैंने लिखवाया है सवाल, इसका जवाब बताइए, कौन बताएगा इसका सवाल? एवरेज ऑफ तीन नंबर इज 137, इसको हमें करना है आपको डेविएशन मेथड से, मेन मेथड से, बेसिक मेथड से हम लोग कल कर चुके हैं इसको। किसी को बेसिक मेथड से भी डाउट है तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन हम लोग बेसिक मेथड से कल कर चुके हैं, हम लोग अभी करना है डेविएशन मेथड से, ठीक है? जल्दी बताइए। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए तीन नंबर जो है, तीन नंबर का एवरेज कितना है 137, और टू नंबर का एवरेज कितना है 152, तो दोनों के बीच का हमको एक नंबर ले लेते हैं, दोनों के बीच का नंबर मुझे लग रहा है 140 अच्छा नंबर है, जिससे कि दोनों में घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग आसानी से, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 150 से लेके भी कर सकते हैं आप, ठीक है? 140 से हमें पीछे जाना होगा कितना, माइनस तीन, 140 से हमें कितना आगे आना होगा, 12, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब ये कितने नंबर का एवरेज है, कितने नंबर का एवरेज है, तीन नंबर का एवरेज है, तो हम तीन से इसको गुना करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, पहले सिर्फ एक संख्या थी इसलिए हम छोड़ दिए थे, अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा कि तीन संख्या का एवरेज है, तो माइनस तीन इंटू तीन, ये हो गया माइनस नौ, ठीक है? और ये आपको है 12, 40 से 12 आगे आना पड़ेगा प्लस में, ठीक है? और ये कितना संख्या है, दो संख्या है, तो यहाँ पे होगा प्लस 12 गुने 2, 24, ठीक है? अब दोनों को हम जोड़ देंगे, 24 माइनस 9 प्लस 24 कितना होता है, माइनस 9 प्लस 24 हुआ 15, टोटल कितने संख्या है जो हमने ऊपर डिवाइड किया था, तीन संख्या यहाँ है, दो संख्या है, तो 15 संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3, कितना प्लस का 3 आया, हमने माना क्या था 140, 140 में प्लस 3 का डेविएशन है तो प्लस 3 जोड़ देंगे, 143 इसका एवरेज है। गलती से 15 लिख दिया था, 12 होगा, सॉरी मैं बोल रहा था 12 लिख दिया 15, क्लियर? क्यों
क्यों हमने 3 से गुना किया, क्यों हमने 2 से गुना किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया है? कितनों को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा इसमें एक और हमने कि, लेकिन अगर आपने डेविएशन मेथड समझ लिया तो आपका एवरेज निकालना चुटकी का खेल हो जाएगा। टफ से टफ आप एवरेज के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं। सही बात है, फर्स्ट जो है वो 3 संख्या का एवरेज है, और तो एक संख्या का आपका डेविएशन -3 आया है, तो 3 संख्या का एवरेज -9 होगा। संज्ञा जी ने बोला एक बार और समझाइए, ठीक है एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक 3 संख्या का एवरेज 137 है, 2 संख्या का एवरेज 152 है, ठीक है। तीन संख्या का एवरेज कितना है, एवरेज 137 है, 2 संख्या का एवरेज कितना है, 152 है, ठीक है। अब हमने अपने मन से एक मान लिया कि ये दोनों संख्या का एवरेज है, ये 3+2 पांचों नंबर का एवरेज 140 होगा, ठीक है, हमने अपने मन से मान लिया। अब देखेंगे कितना डेविएशन है, तो 140 से 137 में कितना डेविएशन है, -3 का डेविएशन है। 140 से 152 में कितना का डेविएशन है, +12 का डेविएशन है। -3 का डेविएशन कितने संख्या पे है, 3 संख्या पे है, तो -3 × 3 -9 हो गया, ठीक है। +12 का डेविएशन कितनी संख्या पे, 2 संख्या पे, +12 × 2 = 24 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया, दोनों डेविएशन को जोड़ देते हैं, 24 - 9 = 15 हो जाता है। 15 आपको है 5 संख्या का डेविएशन, 3+2, तो 15 को 5 से भागा दे दिया, +3 आया। हमने 140 एज्यूम किया था, 140 में +3 जोड़ देंगे, 143 हमारा एवरेज हो गया 5 संख्या का। क्लियर संज्ञा जी, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपका लाइफ आसान हो गया, एवरेज का आप सवाल नहीं छूटेगा। नहीं समझ में आया किसी को, फिर बोलिए, फिर समझाऊंगा मैं। जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बैठे डेविएशन मेथड का, तब तक आप समझते रहिए, क्योंकि बेसिक मेथड से करना इसको आसान है। ये जब टफ क्वेश्चन आएगा तब आप कीजिएगा, तब आपको और मजा आएगा, लगेगा कि अरे यार ये तो कितना आसान तरीका है बता दिया सर ने, ठीक है। अब छोटा सा एक ट्रिक और समझ लीजिए इसमें। अब मान लीजिए यहां पे अगर होता आपका संख्या 3 की जगह होता यहां पे 6 और 2 की जगह होता 4, तो आप क्या करते, इसको सिंप्लीफाई कर देते, सबसे छोटी संख्या हम ले आते, 6 को काट के आप 3 कर देते, 4 को काट के 2 कर देते, ठीक है। समझ में आता है ये सिंप्लीफाई करना, जो सबसे छोटी संख्या है जिससे वो भाग होने वाला, दोनों संख्या भाग होगी, उस पर हम लेते आएंगे। एक सवाल उसका भी देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, आप मास्टर हो जाएंगे एवरेज के। बयालीस स्टूडेंट का एवरेज 137 है और 28 स्टूडेंट का एवरेज 152 है, तो सभी स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले लिखिएगा 42 स्टूडेंट, ठीक है, तो 42 नंबर हो गया, 42 नंबर का एवरेज कितना है, 137 है, ठीक है, अच्छी बात है। 28 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 152 है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच का एक संख्या मान लेंगे, लेट्स अज्यूम कि हमारा एवरेज है वो 140 है, कितना है, 140, क्योंकि दोनों से आसपास में है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो ऊपर का संख्या है, नंबर वाला संख्या, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 14 के पहरा में ये दोनों संख्या आते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं सिंप्लीफाई कीजिएगा तब भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मुझे लग रहा है कि 14 × 28 होता है, तो मैं यहां लिख दूंगा 2, 14 × 42 होता है, तो मैं यहां लिख दूंगा 3, ठीक है। अब
140 से 137 पहुंचने के लिए कितना हमें डेविएशन लाइन चाहिए? हमें डेविएशन चाहिए माइनस तीन का। 140 से 152 जाने के लिए हमें कितना डेविएशन चाहिए? हमें डेविएशन चाहिए प्लस 12 का। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये माइनस तीन कितने संख्या पर आया? तीन पर आया है, तो माइनस तीन गुने तीन ये कितना हो गया? माइनस नौ हो गया। ये कितने संख्या पर आया है? बारह। कितने संख्या का है? दो संख्या का आया है, तो प्लस 12 गुने दो 24 हो गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे डेविएशन को। माइनस नाइन प्लस 24 कितना होता है? माइनस नाइन प्लस 24 होता है 15। कितनी संख्या का डेविएशन है? तीन प्लस दो, तो 15 डिवाइडेड बाई दो, तीन प्लस दो पाँच, पांच संख्या का डेविएशन, तो एक टोटल डेविएशन हमारा गया पाँच। हमने नहीं नहीं पाँच तिहाई 15 होता है ना, सॉरी थोड़ा सा मैं पाँच तिहाई 15 होता है, तीन आएगा। ठीक है, हमारा प्लस तीन है, तो हमने एज्यूम कितना किया था? 140 एज्यूम किया था, तो 140 प्लस तीन कर दिया हमने, तो हमारा आ गया एवरेज 143। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, कितनों को समझ में आया है कॉन्सेप्ट और कितनों को नहीं आया है कॉन्सेप्ट? डेविएशन मेथड आप समझ जाएंगे, टफ से टफ क्वेश्चन को आप चुटकी में कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन करने का। टफ़ टफ कैलकुलेशन नहीं होता है कि इसको आप ये 42 को 137 से गुना कर रहे हैं, 152 को 28 से गुना कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने का। ठीक है, फटाफट से कर दीजिएगा। अगर सभी को समझ में आ गया, एक सवाल दे रहा हूँ, चैलेंज के तौर पर सवाल दे रहा हूँ कि आपको इमीडिएटली इसको सॉल्व करना है। संज्ञा जी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है संज्ञा जी, आपको पिछला सवाल समझ में नहीं आया था। ठीक है, इस सवाल को अगर कर दीजिएगा तो मेरी तरफ से आपको प्राइज मिलेगा। क्वेश्चन, सब लोग तैयार रहिए, पेपर पेन लेके बिल्कुल तैयार रहिए, सवाल आने वाला है। ठीक है, क्लास 10 का एवरेज मार्क्स है 83। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स हैं, एंड टोटल स्टूडेंट हैं 27। ठीक है, क्लास 9 का एवरेज है आपको 76, टोटल स्टूडेंट हैं 36, और क्लास 8 का एवरेज है आपको 85, एंड टोटल स्टूडेंट है उसमें 45। ठीक है, तो तीनों क्लास का जोड़ देंगे एक साथ, तो एवरेज कितना होगा सभी क्लास का एवरेज क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, संख्या क्लियर है, संख्या एकदम, थोड़ा सा कट रहा है इसको थोड़ा सा। चलिए बताइए, ठीक है जयंत जी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, क्लास 10 का एवरेज है 83 और टोटल स्टूडेंट 27, क्लास 9 का एवरेज है 76, टोटल स्टूडेंट है 36, क्लास 8 का एवरेज है 85 और टोटल स्टूडेंट है 45। ठीक है, इसको क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप में आज एक स्टार लग जाएगा, महारथी बनने के लिए 3 स्टार की जरूरत होती है, आज आप में 1 स्टार लग जाएगा एवरेज का।
जबकि मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अभी रात का 11 बज रहा है, बाहर दूर दूर तक आवाज़ जा रही होगी। कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और माइक ऊँचा कर लेता हूँ। कोई सॉल्व कर भी रहा है कि सभी लोग सो गए? चलिए बताता हूँ मैं, किसी का जवाब नहीं आया, अच्छी बात नहीं है। वाह, तनु सिंह जी का जवाब आ गया 81.5, वे बहुत सही जवाब। चलिए आपको मेरी तरफ से, जब मैं आपसे सिलेक्शन के बाद मिलूँगा तो एक अलग से चॉकलेट मेरी तरफ से आज के आंसर सही करने के लिए, ठीक है? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनेगा ये। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या सीखा था? नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, तो हमारा जो 10th क्लास का स्टूडेंट है 27 है, ठीक है? इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा और समझ में आए, ठीक है? 27, 27 नंबर का एवरेज कितना है? 27 नंबर का एवरेज है 83, 83, ठीक है? फिर 36 नंबर का एवरेज कितना है? 76, ये एवरेज लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये नंबर्स है। और उसके बाद हमारा 45 नंबर का एवरेज कितना है? 85, ठीक है? क्या किसी टेबल में 27, 36 और 45 आते हैं? तो मुझे जो याद आ रहा है कि ये तीनों संख्या मुझे लग रहा है कि 9 के पहरा में आते हैं, ठीक है? कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब हमने एक संख्या मान लिया अपने मन से कि तीनों संख्या का एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ कि 85 होगा। इसको थोड़ा साइड में लिखना होगा, 85 मैं एक एवरेज एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है? ये मेरी तरफ से एवरेज हो गया 85, ठीक है? अब 85 से 83 जाने के लिए क्या हमें लगेगा? -2 लगेगा, सही बात है। 85 से 76 जाने के लिए हमें क्या लगेगा? -9 लगेगा। और 85 से 85 जाने के लिए हमें क्या लगेगा? 0 लगेगा, ठीक है? यहाँ 0 लगेगा तो 0 हो गया, 85 से 85 0 हो गया। अब ये दोनों को हम लोग गुना कर देते थे, कितने संख्या का ये है? 3 संख्या पे आया हमें, तो -2 × 3 कितना होता है? -6। -9 × 4 कितना होता है? -36, ठीक है? और 0 × 5 कितना होता है? 0। टोटल डेविएशन हमारा कितना आया? -36 और 6 कितना होता है? -42। कितनी संख्या का डेविएशन है? 4 × 3 = 7 × 5 = 12। 12 को 42 से हम लोग भाग देते हैं तो कितना आएगा? 12 तिया 36 और 6, ठीक है? -3.5 आया, इतना डेविएशन आया। हमने कितना एज्यूम किया था एवरेज कितना होगा? 85 हमने एज्यूम किया था, और उसे -3.5 का हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 81.5। क्लियर कॉन्सेप्ट कि नहीं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जल्दी बताइए फटाफट से।
मजा आया कि नहीं इसको सवाल को देख के करके? हाँ इस तरीके से अगर आप एवरेज निकालते हैं तो आप जो कैलकुलेशन में आप लग जाते हैं कि आप अभी 83 × 27, 76 × 36, 85 × 45, तीनों को जोड़ते ये करते वो करते, हमने डेविएशन मेथड लगाया और डेविएशन मेथड लगा के बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए हाथ में जोड़ के हमने आंसर ला दिया, ठीक है। अब अगर कभी कभी पूछ देता है कि 1200 संख्या का एवरेज है 1500, कुछ भी पूछ दे, फटाक से डेविएशन मेथड निकालिए और आप सॉल्व कर दीजिएगा चुटकियों में, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का ये टाइप हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एवरेज ऑफ, मान के चलिए 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, 25, 46 और x इज 11, वाट इज x, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग अपना बेसिक मेथड लगाएंगे, पहले 25 + 46 + x तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, ये हमारा 11 आ जाएगा, 25 + 46 ठीक है प्लस x इज इक्वल टू 33 हो गया, और 25 + 46 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको जोड़ लीजिए, 25 + 46, 6 × 5 = 11, 4 × 2 = 7, ठीक है 71 आया, तो 71 + x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू आपका हो गया -38, ठीक। ये वाला सवाल समझ में आया? जितने तरह का सवाल बनता है एवरेज हम लोग सब देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग। एवरेज ऑफ 6 वर्कर इज 37 ईयर्स, ठीक है। एक इफ न्यू वर्कर इज हायर्ड, ठीक है, एवरेज एज रिड्यूस्ड बाई 2, ठीक है, वाट इज द एज ऑफ न्यू वर्कर, वाट इज द एज ऑफ न्यू वर्कर। एक बार क्वेश्चन हिंदी बता देता हूँ, 6 वर्कर, 6 मजदूर का औसत एज है 37 ईयर्स, 37 साल। एक नया मजदूर रखा जाता है तो जो औसत उम्र है 37 से 2 साल घट जाता है, तो नए वर्कर की उम्र क्या होगी, ठीक है। जो लोग बताना चाहते हैं जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। गलत गलत गलत। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा इसका। इसका होगा, हम लोग इसका पहले बेसिक मेथड से करते हैं हम लोग, ठीक है। सम ऑफ 6 वर्कर डिवाइडेड बाय 6 कितना है, 37। तो सम ऑफ 6 वर्कर क्या आ गया, थर्टी सेवन गुने 6 जो कि होता है आपको 222, ठीक है। अब अगला इक्वेशन, सम ऑफ 6 वर्कर ठीक है प्लस वर्कर W लिख दिया मैंने, ठीक है। एक तो टोटल वर्कर कितने हो गए, 6 वर्कर प्लस नया वर्कर आया 7, इसका कितना है औसत उम्र, 2 − 2 घट गया तो 35 हो गया। तो सम ऑफ 6 वर्कर प्लस W इज इक्वल टू 35 × 7 जो कि होता है आपको 245, ठीक है। अब सम ऑफ 6 वर्कर हमारा कितना आया था यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, 222 आया था, तो हम लोग लिख देंगे 222 + W इज इक्वल टू 245।
डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 245 माइनस 222 हो गया 23 साल। ठीक, ये बेसिक मेथड्स मैंने समझा दिया आपको कि आपको जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? जल्दी बताइए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। एवरेज का आप महारथी बन जाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चन में, और नहीं है तो डाउट पूछिए, क्योंकि डाउट जितना आप डाउट पूछिएगा आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा मेरे सर से ढक रहा है ये। तनु सिंह को क्लियर है, और कोई? चलिए क्लियर है तो हम लोग एक अगला सवाल देते हैं, और कोशिश करता हूं ये आपको होमवर्क देता हूं, कल मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, होमवर्क। एवरेज ऑफ 10 चिल्ड्रेन इज 9 ईयर 9 मंथ। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ 9 चिल्ड्रेन इज 8 ईयर 11 मंथ। ठीक है, देन व्हाट इज द एज ऑफ 10th चिल्ड्रेन? दस बच्चों का औसत उम्र है 9 साल 9 महीना, और उसी 10 बच्चों में से पहले 9 बच्चे का औसत उम्र है 8 साल 11 महीना, तो 10वें बच्चे का एज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, होमवर्क क्लियर है? बताइए अमन जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अमन जी जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, नहीं तो हम लोग सेशन आज का समाप्त करते हैं। और कल इस क्वेश्चन का होमवर्क आप लोग जरूर बताइएगा। अमन जी लगता है कि ऑफलाइन हो गए हैं, कोई बात नहीं अमन जी, कल मिलेंगे।